बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बीबीसी 11 हेडलाइंस न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सबा मुनीर। आपको आगाह करें फैसलाबाद से, जहां हमारे नुमाइंदा खसूसी इब्रार हुसैन के मुताबिक एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल की हदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन की टीम्स ने मुश्तरका ट्रैफिक मैनेजमेंट मनसूबे के तहत ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर फैसलाबाद रीजन की मुख्तलिफ हाईवेज पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 1 जनवरी 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक 7,758 चालान करते हुए मजमूई तौर पर 47,26,650 रुपये जुर्माना किया। फैसलाबाद रीजन की ट्रैफिक मैनेजमेंट टीम्स ने हाईवेज पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 58 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करते हुए 58 गाड़ियों को कब्जा पुलिस में ले लिया गया। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करने वाले 32 ड्राइवर के लाइसेंस और रूट परमिट भी कैंसिल करवाए गए। वन डिस्ट्रिक्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर हाईवेज पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवाने का अज़्म कर रखा है। याद रहे कि हाईवेज पर मुश्तरका ट्रैफिक मैनेजमेंट मंसूबे का मकसद ट्रैफिक हादसात में कमी लाना है और 15 सितंबर 2020 से ताहाल मुश्तरका ट्रैफिक मैनेजमेंट मंसूबे के नतीजे में हादसात में बेहद कमी वाकया हुई है। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल का कहना है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन रोड प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ ना सिर्फ जारी रखा जाएगा बल्कि इसे मज़ीद मौसर बनाने के लिए भी इकदाम किए जाएंगे ताकि हाईवेज पर हादसात में कमी और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीसी 11 हेडलाइंस न्यूज़।